हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। और यहाँ पे मैं ऑरेंजेस क्लीन कर रही थी, सीड्स वगैरह निकाल कर, बिकॉज हम जा रहे हैं बाहर और अदीबा बाहर का कुछ भी नहीं खाती, इसलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ कुछ ना कुछ फ्रूट्स उसके लिए लेकर जाती हूँ। वैसे भी आप जब टॉडलर्स के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा तैयारी कर कर जाना होता है, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और अदीबा अभी से उसके लॉलीपॉप्स वगैरह लेकर जाने लगी। तो आज हम एक्चुअली जा रहे हैं मेरा मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के लिए, बिकॉज यूएई में अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास और अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत महंगा खर्चा पड़ जाता है। सो ईयरली ये रिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ आकर अदीबा बहुत परेशान कर रही थी हमें, बिकॉज यहाँ बहुत टाइम लग रहा था। फाइनली 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरा रिन्यूअल हो गया था और मैडम शैतानी करने के बाद सो गई थी। फिर हम चले गए होम बॉक्स। हमें एक्चुअली यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बट सारे स्टोर्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, तो एक बार हम विज़िट कर लेते हैं जब जाते हैं कहीं बाहर। तो ये वही विज़िट था। यहाँ से हमने 1-2 छोटे मोटे प्रोडक्ट्स लिए थे, फ्रेग्रेंस वगैरह अपने ह्यूमिडिफायर के लिए, वो सारे कुछ लिए थे मैंने, बट इसमें व्लॉग में मैंने सूट नहीं किया उसे। बाद हम आ गए थे स्प्लैश। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे और मेरे हस्बैंड स्प्लैश का ही कपड़ा ज़्यादातर पहनते हैं, सो वो आ गए थे अपने लिए कुछ लेने, ट्राउज़र्स वगैरह। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, बट ये काफ़ी सी थ्रू था, इसके अंदर मुझे इनर वगैरह सिलवाने पड़ते हैं। और इसमें एक और था, ब्लैक भी था, बट ब्लैक वाला उतना ज़्यादा नहीं था सी थ्रू, बट हस्बैंड को ब्लैक नहीं पसंद आया। यहाँ 200 समथिंग का शॉपिंग करने पर हमें कप्स भी मिले थे, कॉफ़ी मग्स, तो हस्बैंड वही दिखाने के लिए मुझे पिला रहे थे। आई कैन सी यू। यहाँ हस्बैंड फ़ोन पे बिजी थे, मैं भी बात कर रही थी फ़ोन पे, और ये कब यहाँ पहुँच गई पता भी नहीं चला। और ये हमेशा ऐसा करती है, तो मुझे डाउट हुआ कि वहीं पर होगी। तो जब मैं वहाँ गई तो ये आने को तैयार नहीं, उसे क्लॉ मशीन्स वाले सारे गेम्स चाहिए, सारे टॉयज चाहिए, वो देखते आ रही है बचपन से, तो शायद उसे लगता है कि ये गेम्स खेलने से ना उसे टॉयज मिल जाएंगे। तो वो बहुत ज़िद कर रही थी, फाइनली हस्बैंड को जा कर के कार्ड इशू करवाना पड़ा। और फिर वो बता रही है ये खेलो वो खेलो, उसे बच्चों वाले बच्चे वाले जो राइड्स होते हैं ना उससे वो कुछ भी नहीं करना, बट बड़े वाले जो सारे गेम्स हैं, क्लॉ मशीन ये वो सारे। फिर लास्टली हमें एक ये क्लॉ मशीन वाला, हमें पता था ये नहीं आएगा, काफ़ी हेवी टॉयज थे और क्लॉ जो था काफ़ी शेक कर रहा था, तो हमें लगा कि ये नहीं आएगा, बट उसके ज़िद पे हमें खेलना पड़ा और ये नहीं आया।
ये भी एक क्लॉ मशीन था जिसमें सारे टोकन नंबर्स वगैरह दिए हुए थे, आप जितना भी ग्रैब कर पाओ एक साथ में ग्रैब करो। फिर ये मशीन काउंट कर रहा था कि आपको कितने टोकन्स मिलने हैं। हमारा फर्स्ट बार में 99 समथिंग आया था। अदीवा बहुत एक्साइटेड थी इतना ज़्यादा क्या आ रहा है। एक्चुअली उसके बाद फिर आप ये टोकन्स ले जाकर अपने पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं और उस टोकन पॉइंट्स से आप कोई टॉय ले सकते हैं। टॉयज़ कुछ खास थे नहीं जब हम वहाँ गए तो, बट अदीवा बहुत तंग कर रही थी। वो हमारे ऑल टोटल 174 पॉइंट्स हुए थे जब हमने लास्टली 2-3 ट्रायल के बाद 174 पॉइंट्स हमारे हुए थे, टोकन्स हुए थे। और अदीवा को वो टॉयज पसंद आ रहे थे जो 222 इस टाइप के इतने टोकन्स होने पे जो चाहिए थे। वो आप बाद में भी कलेक्ट कर सकते हो आपके कार्ड पे और वो कोई टॉय ले सकते हो। तो पर अदीवा बहुत ज़िद कर रही थी यहाँ पर। असल में उसे आदत हो गया, वो जो चाहती है उसके डैडी उसे दिलवा देते हैं। उसका आदत हो गया है हर चीज़ को लेकर कि मिल जाएगा थोड़ा ज़िद करने से। उसके बाद अदीवा बहुत रो रही थी बिकॉज उसे टॉयज़ चाहिए थे और हमने सोचा कि 174 में कुछ इतना अच्छा टॉय है नहीं तो कहीं और से इसे टॉय दिलवा देते हैं। सो हम आ गए थे मोमोसो। ओनली वन बेटा, यू वांट टू टेक द लैंप और द थिंग? ओनली वन बेटा, नो मनी, आंटी विल कैच यू। यहाँ हमें पता चला कि अदीवा अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। उसे दो टॉयज चाहिए थे, वो दो लेकर ही मानी और उसे डर लग रहा था कि वहाँ पे उसे हमने वो मैजिक प्लैनेट्स में उसे टॉयज नहीं लेने दिए थे। सो यहाँ पे भी ये लोग कहीं मेरे से ले ना ले, इस वजह से वो इतना जल्दी भाग रही थी कि हमें पकड़ पाना मुश्किल था। वो दौड़े जा रही थी बिकॉज उसे लग रहा था ये लोग ले लेंगे। फिर किसी तरह वो पकड़ में आई और इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था। हम दोपहर के 2 बजे के निकले हुए थे और रात के 10:30 हो गए थे। घर जाकर खाना वाना भी बनाना था। सो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।